जीपी रेटिंग करने के बाद या ओपन सीडीसी के बाद आप सिप पे डायरेक्ट जॉब कैसे पा सकते हो विदाउट एजेंट, ये आज मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मर्चेंट नेवी लाइफ में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीपी रेटिंग या STCW करके आपने सीडीसी निकाल लिया है तो उसके बाद आप फ्रेंड सिप पे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइनिंग का क्या प्रोसेस होता है, या फिर ज्वाइनिंग के लिए मतलब क्या एजेंट को पकड़ना ज़रूरी है, या विदाउट एजेंट भी हम डायरेक्ट कंपनी में जाके ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा, जो ओपन सीडीसी वाले हैं उनके लिए ये बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने STCW करके सीडीसी निकाल लिया, उसके बाद आपको सिप ज्वाइन करना है, तो फ्रेंड मुश्किल होता है, फ्रेशर को कंपनी कोई लेता नहीं है, ये कंफर्म बात है। STCW ओपन सीडीसी तो वैसे ही जानते हो, फिर मतलब एकदम लो बेलो रैंक में आ जाता है तो लेता नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आप किसी एजेंट के चक्कर में ना पड़ें, जो भी जैसे एजेंट कोई भी हो उससे बात करेंगे तो बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं, ओपन सीडीसी फिर भी हो जाएगा, FG पे हो जाएगा, इतने इतने दे दो, इतने दिन में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, मैं आपका डॉक्यूमेंट रेडी करता हूँ, मुझे अपना सर्टिफिकेट भेज दो, 15 दिन बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, मेरे पेमेंट का ऐसा हो। तो आप इस सब चक्कर में ना पड़ें, आप सबसे पहले सीडीसी मिल जाए तुरंत जाएँ मुंबई, और कंपनी टू कंपनी लिस्ट गूगल से निकाल लें, छोटी छोटी कंपनियों में ट्राई करें, कहीं ना कहीं आपका फ्री में नहीं होगा लेकिन कंपनी से करवाएं बेहतर पड़ेगा। और दोस्तों जीपी रेटिंग के लिए सीडीसी लेने के बाद फ्रेंड्स आप कहीं से भी हों, आप सीडीसी लेके तुरंत मुंबई आ जाइए, मुंबई में बेलापुर में रुकिए, बेलापुर में या मस्जिद बंदर सीमेन हॉस्टल में भी जा सकते हैं। बेलापुर मैंने इसलिए बोला क्योंकि बेलापुर में अधिकतर सीमेन रहते हैं, तो वहाँ पे सीमेन के बीच में रहेंगे तो आपको एक इन्वायरमेंट बना रहेगा, कुछ नॉलेज मिलती रहेगी, और मस्जिद बंदर सीमेन हॉस्टल भी बढ़िया है, पूरा सीमेन ही रहते हैं, दोनों जगह आप रह सकते हैं। बेलापुर में 100-150 रुपये में पर डे का रूम मिल जाता है, खाने पीने का दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, ठीक है, मिल जाता है। और दोस्तों आप जितनी भी RPSL कंपनी है छोटी छोटी उसका लिस्ट निकाल लें गूगल से, और उसमें ट्राई करना शुरू करें, पहले जाएं उसमें देखें, उनसे बात करें, उनको बताएं कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या बोलते हैं। कुछ उसमें से कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो आपसे कुछ चार्ज लेती हैं, चार्ज लेकर आपको सीधे सिप पे ऑनबोर्ड करा देती हैं। तो मेरा मकसद कहने का ये है कि जो एजेंट के चक्कर में फंसने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट कंपनी में जाओ, RPSL के पास डायरेक्ट वहां से करवाओ, उससे फ़ायदा ये होता है फ्रेंड्स, वो चार्ज मतलब वो उनका वो सर्विस चार्ज नहीं होता है, वो जैसे कुछ आपको कोर्स कराएंगे या कुछ सर्टिफिकेट बनवाना होता है तो वो सिर्फ उसका चार्ज लेते हैं, तो ये चार्ज दे मतलब ऐसा होता है, फिर आप सीधे वो आपको सिप पे भेज देंगे। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप एजेंट के चक्कर में पड़ते हो तो एजेंट आपसे फिर जानते हो आप मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, फिर फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है, तो मैं यही बोलूँगा आप कहीं से भी हो सीडीसी जैसे ही मिला आप तुरंत मुंबई आ जाओ, मुंबई में ऑफिस घूमना शुरू करो। और मैं अपना नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, कम से कम मैंने लिस्ट निकाली है 10 कंपनियों की, 10 RPSL कंपनी है अपने इंडिया की, वो देती हैं फ्रेशर को जॉब, देती हैं फ्री में देती हैं, लेकिन मैं वही बोला ना कंपनी सर्विस चार्ज नहीं लेती, वो कुछ उनका सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए वो आपसे कुछ चार्ज करती हैं। तो मैं आपको वो 10 कंपनी का लिस्ट डिस्क्रिप्शन में या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 100% बता दूंगा कि आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट उनसे बात करके डायरेक्ट मतलब आप ट्राई कर सकते हो, आपका हो सकता है हो भी जाएगा, क्योंकि हो जाता है बंदों का। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि एजेंट के चक्कर में ना पड़े, वो आपको घुमाएंगे, आपसे ज़्यादा पैसे भी खा जाएंगे, आपका ठीक है किस्मत तो आपको चढ़ा देंगे सिप पे, अगर मतलब वो फ्रॉड हुए तो डूब जाएगा पैसा, तो कोई मतलब नहीं है फ्रेंड। अगर आप RPSL के पास जाते हो तो आपके पास मतलब ये कहने को रहेगा ना कि हाँ मतलब आप क्लेम कर सकते हो कि मैंने दिया है, जो भी है मैंने दिया है, क्योंकि DG Shipping ने उनको एक नंबर दिया है, RPSL रिक्रूटमेंट प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस ये होता है, तो वो सरकार गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं, DG Shipping उनको ये दिया होता है नंबर, तो वो फ्रॉड नहीं करेंगे। तो मेरा यही कहना है कि दोस्तों आप कहीं से भी हों बॉम्बे आइए, पहले खुद से ट्राई करो फ्रेंड, ये नहीं कि सीडीसी मिलते ही पहले ही एजेंट के चक्कर में पड़ गए, कुछ लोग बता दिए ये मेरा एजेंट है इससे बात कर लो, वो मेरा एजेंट है, जिनका जान पहचान का कोई है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे मेरे जैसे बैकग्राउंड का जिनका कोई नहीं जान पहचान का है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट मुंबई आओ। मेरा भी फ्रेंड इस लाइन ने बॉम्बे में आकर ट्राई किया था, मेरा
कंपनी का एक नाम है, ओनरशिप कंपनी है, इसलिए नाम नहीं बताऊंगा यहाँ ओपनली, क्योंकि आरपीएसएल नहीं ओनरशिप था, लेकिन मेरा हो गया था, कुछ लगा था चार्ज मेरा भी, ऐसा नहीं कि फ्री में हुआ था, मैं वही बता रहा हूँ ना, फ्री में फ्रेशर का थोड़ा मुश्किल होता है, हो गया था, लेकिन ये परफेक्ट था कि किसी एजेंट वेजेंट का चक्कर नहीं था, डायरेक्ट कंपनी से हुआ, कोई फंसने का चांस नहीं था, पैसा मेरा नहीं डूबा, कम पैसे में हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट बॉम्बे आओ, बॉम्बे में आके ट्राई करो, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कुछ कंपनी के नाम, जिसमें आप डायरेक्ट जाओ, उसमें कन्फर्म होना ही होना है, 100% आपका हो जाएगा, उसमें जाओ, वो आपको बताएंगे कि उनका रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे आपका होगा, हो जाएगा ये कन्फर्म है। और मेरा एक नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि हाउ टू ज्वाइन आफ्टर वॉच कीपिंग फ्री, वॉच कीपिंग के बाद फ्रेंड फ्री में ज्वाइनिंग मिलेगा, मैं अभी सिप में ही हूँ, मैं आपको दिखा दूँ एक बार, ये मेरा बॉयलर सूट, ये मेरा केबिन है फ्रेंड, मैं अभी फ्रेंड सिप में ही हूँ, ये ऑफशोर वेसल है, मैं बताऊंगा कि आप इसमें फ्री में कैसे आ सकते हो। वॉच कीपिंग बाद मैंने इसमें ट्राई किया था, इस कंपनी में मेरा फ्री में हो गया था। मैं आप लोग को भी बताना चाहता हूँ कि जिस बंदे के पास वॉच कीपिंग है, अगर ऑलरेडी वो इधर उधर परेशान है, तो बस कुछ दिन का वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि इस कंपनी में आप आओ, डायरेक्ट 100% होना ही होना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, आपका हो जाएगा। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए, देख कोरोना वरोना बढ़ रहा है दोस्तों, थोड़ा देख ताक के, और मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जो दोस्त लोग बॉम्बे में हैं ज्वाइनिंग के लिए आए हैं, थोड़ा जल्दी ज्वाइनिंग ले लो भाई, क्योंकि लॉकडाउन लगने वाला है, फंस जाओगे। चलो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना फ्रेंड्स, बाकी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो फ्रेंड, शेयर करो फ्रेंड, थोड़ा आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोग को सिर्फ वही बात बताऊंगा जो मेरे साथ हो रहा है इस लाइन में, मैं ये सब नहीं बताऊंगा कि ये सिप है वो सिप है ऐसे है वैसे है, मैं वो बताऊंगा जो मेरे साथ पर्सनल हुआ है इस लाइन में, मैं वही बताऊंगा, इसलिए मेरे चैनल पे फ्रेंड्स बने रहिए, ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।